लेसन बच्चों आज हम करेंगे आठवीं क्लास का संस्कृत का लेसन दूसरा। तो पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य बिल की वाणी ने नहीं सुनी, नहीं कदापि कभी भी, में श्रुता मैंने सुनी, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र को काकुलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। मतलब पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें पांच खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो हम इसके पाठ की हिंदी करेंगे अब। कस्मिश्चित वने, कस्मिश्चित मीन्स किसी, वने वन में, खरनखर नामे सिंह प्रतिवस्तिस में, खरनखर खरनखर नाम का सिंह है शेर प्रतिवस्तिस में रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित वह कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्ते भूख से व्याकुल न किंचित अपि किंचित जमा अपि कुछ भी न मीन्स नहीं आहारम प्राप्तवान भोजन प्राप्त हुआ उसे कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत् तब सूर्यास्त समय सूर्यास्त के समय इसके पश्चात इसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम एकाम मीन्स एक महतीम मीन्स बड़ी गुहाम मीन्स गुफा को दृष्टवा देखकर से अचिंत्यत उसने सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रौ रात्रि को कोऽपि जीवे कोई भी जीव आगच्छति आता है निश्चय ही रात को इस गुफा में कोई जीव आता है अतः इसलिए अत्रैव अत्र जमा एव संधि हो रही है इसलिए यहीं निगूढ़ो भूत्वा छिप कर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ इसलिए यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन अंतरे इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगालय गुफा का गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गिदड़ समागच्छते वहाँ आ गया इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गिदड़ वहाँ आ गया। स च यावत और वह यावत पश्यति जहाँ तक देखता है तावत वहाँ तक सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश किए हुए तो दृश्यते दिखाई देते हैं ना च बहिर्गता परंतु बाहर नहीं आए न च और बाहर न नहीं बहिर्गता बाहर आए। मतलब कहने का क्या है कि उसने क्या देखा कि शेर के पैरों के निशान थे वो उसमें घुसते हुए के तो थे लेकिन बाहर आते हुए के निशान नहीं थे। ठीक है तो वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दिए परंतु बाहर नहीं आए। श्रृगालय अचिंत्यत गिदड़ ने सोचा अहो अरे विनिष्टो अस्मि मैं तो मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले इस बिल में सिंह अस्तित्व शेर है ऐसा सोचता हूँ निश्चय ही इस बिल में शेर है तत् किम करवानी तो क्या करूँ एवं विचिंत्य ऐसा सोच कर या विचार कर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है दूर से ही रवम आवाज़ लगानी कर्तुम आरब्ध है आवाज़ लगानी शुरू कर दी इसलिए उसने दूर पर से खड़े होकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी। भोबिल भोबिल अरे बिल किम न समरसी किम मीन्स क्या न मीन्स नहीं समरसी मीन्स याद क्या तुम्हें याद नहीं यन मया कि मैंने यत जमा मया यत मीन्स की मया मीन्स मैंने कि मैंने तव्या सह तव्या मीन्स तुम्हारे सह मीन्स साथ समय मीन्स शर्त रखी थी कृतो उसमें शर्त की थी यत की यदा अहम जब मैं बाह्यते बाहर से प्रत्यागमिष्याति लौटूंगा कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तदा तब तुम माम मुझे आकरिष्यसी पुकारोगे जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम माम न आविष्यसी यदि तुम माम मेरा न आविष्यसी नहीं पुकारते हो आह्वान नहीं करते हो तर्री तो अहम मैं दूसरे बिल में यास्यामि थी चला जाऊंगा यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा इसके बाद यह सुनकर एतत् जमा श्रुत्वा यह सुनकर सिंह अचित्यत शेर ने सोचा नूनम एषा गुहा स्वामी ने सदा सम आह्वानम करोति नूनम एषा निश्चय ही एषाम यह
गुहा गुफा स्वामी ने अपने स्वामी का सदा हमेशा सम आह्वानम करोति आह्वान करती है, मतलब हमेशा ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है। परंतु मद भयात मत जमा भयात मेरे डर से न किंचित वदती कुछ नहीं बोलती, किंचित मीन्स कुछ, वदती मीन्स बोलती, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साद्विदम उच्यते, साद्विदम ठीक ही उच्यते मीन्स कहा गया है कि ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त डरे हुए मन वालों की, भय संत्रस्त मनसाम, भय डर से संत्रस्त मीन्स जो डर होता है उनके मन में, मनसा मीन्स मन वालों की, डरे हुए मन वालों की हस्त पदादि का क्रिया, हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं और प्रवर्तते नैवानी चे और मुंह से बोलना नहीं हुआ करता। वेपुत चादि को भवेत, वेपुत मीन्स कंपन और कंपन भी अधिक होता है।